द्वारका में पीएम मोदी। स्कूबा डाइविंग कर पीएम मोदी ने किए प्राचीन द्वारका के दर्शन। पीएम ने क्यों कहा समुद्र में डूबकी समय यात्रा। हेलो नमस्कार, टीवी 9 दिल्ली एनसीआर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिज्ञा कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। ये यात्रा कई मायनों में अहम है। पीएम मोदी ने द्वारका आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात दी। उन्होंने ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ने वाले पुल सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। लगभग 980 करोड़ रुपए की लागत से बने इस केवल पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर है, जो देश में सबसे लंबा है। इस पुल को भगवद गीता के श्लोकों और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से सजा और सवारा गया है। वैसे तो द्वारिका को धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब ये शहर पर्यटन के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध हो रहा है। ऐसे में द्वारका के तट पर स्कूबा डाइविंग भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। पीएम मोदी ने भी द्वारका के पास अरब सागर में डुबकी लगाई। पीएम ने ये तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, पानी में डूबी द्वारका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दें। पीएम ने पानी के अंदर मोर के पंखों के साथ पूजा अर्चना की। द्वारका नगरी के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि ये सिर्फ समुद्र में एक डुबकी नहीं थी, बल्कि समय यात्रा थी। पानी में डूबी द्वारका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। पीएम मोदी के साथ नौसेना के जवान भी मौजूद थे। उन्होंने गोमती घाट पर स्थित सुदामा सेतु पार कर पंचकुई बीच इलाके के करीब 2 नॉटिकल मील दूर समुद्र में स्कूबा डाइविंग की। मान्यता है कि द्वारका का बेट मंदिर ही भगवान श्री कृष्ण का घर था और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की परम मित्र सुदामा से मुलाकात हुई। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की प्रतिमाओं की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि द्वारका यात्रा का पूरा फल तभी मिलता है जब श्रद्धालु बेट द्वारका मंदिर जाते हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने द्वारकाधीश के दर्शन किए और मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको ये जरूर याद होगा कि इससे पहले भी पीएम मोदी ने साल की शुरुआत में 5 जनवरी को लक्षद्वीप में भी समुद्र में डुबकी लगाई थी। तब उन्होंने स्नॉर्कलिंग की थी और इस बार उन्होंने स्कूबा सूट पहनकर अरब सागर में डुबकी लगाई है। और इसी के साथ पीएम मोदी ने द्वारका को एक बड़ा और बहुत ही खूबसूरत सौगात दिया है सुदर्शन सेतु के रूप में। लेकिन पीएम मोदी ने ये जरूर कहा कि समुद्र में जब आप डुबकी लगाकर और द्वारका के दर्शन करते हैं तो वो सिर्फ एक डुबकी नहीं बल्कि समय यात्रा जैसा होता है।